देवगढ़ बारिया खाते दिल्ली ना धारासभ्य नी हाजरी में आम आदमी पार्टी नू कार्यकर्ता सम्मेलन योजायु। कोरोना महामारी ना कारणे गुजरात नी स्थानिक स्वराज नी चूंटणीओ 3 महीना माटे लंबावामां आवी हती अने हवे गुजरात में स्थानिक स्वराज नी चूंटणीओना भणકારા વાગી ચૂક્યા છે ત્યારે ભાજપ કોંગ્રેસ અને ત્રીજા પક્ષનો વિકલ્પ બનીને આમ આદમી પાર્ટી પણ ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં ઝંપલાવવા માટે એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે અને જિલ્લે જિલ્લે અને તાલુકાઓમાં આમ આદમી પાર્ટી પોતાના કાર્યકર્તાઓ સાથે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં પોતાના ઉમેદવારો ઊભા રાખવાની તનતોડ મહેનત કરી રહી છે ત્યારે આજે દિલ્હીના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત આમ આદમી પાર્ટીના સહપ્રભારી ગુલાબસિંહ યાદવ મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી રોમી ભાટી અને મધ્ય ગુજરાતના સંગઠન મંત્રી અર્જુનભાઈ રાઠવાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં દેવગઢ બારિયા ખાતે ખુલ્લા મેદાનમાં સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અલગ અલગ તાલુકાઓમાંથી આવેલા 50 જેટલા કાર્યકર્તાઓને આમ આદમી પાર્ટીમાં પ્રવેશ અપાયો હતો અને દિલ્હીના ધારાસભ્યએ 50 જેટલા કાર્યકર્તાઓને આમ આદમી પાર્ટીની ટોપી પહેરાવી પાર્ટીમાં પ્રવેશ આપ્યો હતો, જેમાં દિલ્હીના ધારાસભ્ય ગુલાબસિંહ યાદવે હાજર કાર્યકર્તાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું કે આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસની મિલીભગતની રાજનીતિને જળમૂળમાંથી ઉકાળી ફેંકવાની હાકળ કરી હતી અને આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં જીતાડી અને દિલ્હી મોડેલને ગુજરાતમાં લાગુ કરાવી વીજળી, પાણી, આરોગ્ય તેમજ શિક્ષણની દરેક લોકોને મફતમાં મળે તે માટે આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે અપીલ કરાઈ હતી અને સભામાં દાહોદ જિલ્લાના અલગ અલગ તાલુકાઓમાંથી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ સંમેલનમાં જોડાયા હતા। દાહોદ જિલ્લે મે आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन जो किया है और इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से स्थानिक जो चुनाव है, स्थानिक जो चूंटनी है उसको लेकर चर्चा थी। विशेष तौर पर यहाँ पर जो संभावित हमारे कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर यहाँ चर्चा हुई, किस तरह से इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात की सभी तालुकाओं पर, जिला पंचायतों पर, नगर पालिका, महानगर पालिका पर अपने अच्छे उम्मीदवार उतारने का प्रयास कर रही है। हमारे जो इस पूरे संगठन में अगर आप महत्वपूर्ण अगर आप बात करें तो अर्जुन भाई राठवा जो कि पूरे गुजरात में संगठन मंत्री है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से यहां पर काम कर रहे हैं। मध्य गुजरात के अंदर दिल्ली से हमारे साथी रोमी भाई भाटी हैं जो कि प्रभारी के तौर पर यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। संगठन के तमाम साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आज करीबन 600-700 कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आज की मीटिंग को ज्वाइन किया और एक एक कार्यकर्ताओं का जोश, एक एक कार्यकर्ताओं में यहाँ पे हिम्मत ये बताती है कि इस चुनाव के अंदर गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। गुजरात के सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षण, यहाँ का आरोग्य अच्छा हो। गुजरात के सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ भी खेडूतों को उनकी जो फसलें बर्बाद होती है ज़्यादा बारिश के कारण, कई बार या तो कभी ओलावृष्टि के कारण या सूखे के कारण, किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर खेडूतों की ज़मीनें बर्बाद होती हैं, उनकी फसलें बर्बाद होती हैं, तो उनको दिल्ली के किसानों की तरह 50,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से यहाँ की सरकार मुआवजा दे। वो तमाम मुद्दे लेकर हम इस बार स्थानिक इस चुनाव में जाएंगे और लोग भाजपा से बहुत परेशान हैं। एक चीज़ मैंने देखी कि भाजपा से लोग बड़े परेशान हैं, नाराज़ हैं, लेकिन कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। पिछले 25 साल में भाजपा से नाराज़ होकर लोगों ने कांग्रेस को कई बार वोट तो दिया लेकिन कांग्रेस के लोग बिक जाते हैं। हाल ही में आपने देखा कि 8 सीटों पर उपचुनाव हुआ लेकिन वहाँ पे मजबूरी में लोगों ने फिर से भाजपा को वोट डाल दिया। वो 8ों सीटें कांग्रेस को दी थी 2017 के चुनाव में। इस चुनाव के अंदर बहुत अच्छे उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं और पूरे गुजरात में घूमने के बाद मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे गुजरात में लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से आम आदमी पार्टी को देखते हैं। लोग एक बात बोल रहे हैं कि भाजपा को अगर कोई हरा सकता है गुजरात में तो सिर्फ आम आदमी पार्टी हरा सकती है। आप लोग सच्चे लोग हो, हिम्मत वाले लोग हो। निश्चित तौर पर मुझे ये मानने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि अभी हम बहुत छोटी पार्टी, हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। गांव-गांव तक, जिले-जिले तक हम अपना संगठन मजबूत करें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी का खाता खुलने जा रहे हैं। तो आप सभी जी, आपका नाम क्या? मैं दिल्ली से धारा सभ्य हूँ, मटियाला विधानसभा से, और अभी फ़िलहाल गुजरात प्रदेश में संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। रोमी भाई भाटी हैं जो कि दिल्ली से ही हैं और कर्नाटक के साथ साथ वो मध्य गुजरात के प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं।